जिसका क्या हो, अवकलन हो, और द्वितीय कलन उसको मानना है जिसका समाकलन हो, है ना। प्रथम कलन हमेशा ध्यान रखना, उसको मानना है जिसका अवकलन हो। अब देखिए, आप जैसे ये सवाल दिया है, इसमें आप किसी को भी मान लेंगे प्रथम कलन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x का भी समाकलन होता है, sin x का भी होता है, दोनों का अवकलन भी होता है। अब उसके बाद प्रथम कलन ये x sin x, इसमें हम फॉर्मूले देखिए, प्रथम फलन x क्या हो जाएगा आपका, साइन x dx माइनस प्रथम का अवकलन यानी x का अवकलन द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन यानी साइन x का समाकलन का फिर समाकलन। अब उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें पता है साइन x का समाकलन होता है माइनस cos x, तो वो आगे आ जाएगा ये होगा माइनस cos x। इसके बाद d अपॉन dx है, x x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1।